माता सीता के पायलों को देखकर प्रभु श्रीराम रोने क्यों लग गई। रामायण के किष्किंधा कांड के एक प्रसंग में उल्लेख मिलता है कि जब माता सीता को रावण ने हरण कर लिया था तो माता सीता ने अपने आभूषणों को जमीन में फेंकना शुरू कर दिया, जैसे कि प्रभु श्रीराम को ये पता चल सके कि माता सीता किस रास्ते गई है। ये आभूषणों वानर राज सुग्रीव को मिला और इन्होंने इन आभूषणों को संभाल कर रख दिया। प्रभु श्रीराम जब माता सीता को ढूंढते हुए मलय पर्वत पर पहुँचे, जहाँ पर सुग्रीव बाली के भय से अपने मंत्रियों और चिंतकों के साथ थी, तब सुग्रीव ने माता सीता के आभूषणों को भगवान श्रीराम को सौंप दिया। इन आभूषणों को देखकर प्रभु श्रीराम लक्ष्मण जी को पूछते हैं, ये तुम देवी सीता के बाजूबंद कर्णफूल हार और पायलों को देखो, क्या तुम इन्हें पहचानते हो? भगवान श्रीराम के इस प्रश्नों को सुनकर लक्ष्मण जी रोते हुए कहते हैं कि प्रभु, मैं देवी सीता के न तो बाजूबंद को पहचानता हूँ और न ही उनके कुंडल पहचानता हूँ। मैं तो देवी सीता के पैरों की वंदना करता हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि हमेशा ही उनके चरणों में रहती थी, इसलिए मैं केवल उनके चरणों में रहने वाले पायलों को पहचानता हूँ। लक्ष्मण जी की इन बातों को सुनकर प्रभु श्रीराम के आंखों में आंसू छिड़क जाते हैं और लक्ष्मण जी को गले लगाकर रोने लगते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्रीराम जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।